కిషన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం లక్ష్మణ్ గారి నాయకత్వం ఇక్కడ విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ జేపీ నడ్డ గారికి మరియు ఇక్కడ తోటి మిత్రులకు నాయకులకు అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ఈ రోజు ఈ రాత్రికి ఘనంగా విచ్చేసిన నాయకులకు కార్యకర్తలకు ముఖ్యంగా వారికి అందరికీ పాదాభివందనాలు. ఈ రోజు మనం ఏదైతే మనం విజయగిరికి నిజంగా చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ జన సందేహం చూస్తుంటే మన అందరికీ ఎంతో గర్వంగా ఉంది, ఎంతో నమ్మకము గట్టి నమ్మకము ఏర్పడుతుంది. ఈ రోజు మనం ఖచ్చితంగా విజయానికి చాలా చేరువలో ఉన్నామని, ఎందుకంటే ఇదంతా మనకు మన ఐక్యత ఇవన్నీ చూస్తే ప్రత్యర్థుల్లో ధరకుడు దొరికినది వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి ఏదైతే అరాచకాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి అభయ శత్రువులాగా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి వాళ్ళకి చాలా ఇది ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. కాబట్టి మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నమస్కారం. ప్రకాష్ నడ్డా గారు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఎంత అవసరమో చెప్పడానికి, నరేంద్ర మోడీ గారి సర్కార్ ఎంత అవసరమో చెప్పడానికి మన మధ్యలోకి వచ్చారు. ఒక్కసారి గట్టిగా భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, రెండు చేతులు ఎత్తాలండి, చేతులు నమస్కారం. జేపీ నడ్డా గారి నాయకత్వం, జేపీ నడ్డా గారి నాయకత్వం, జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా గారి నాయకత్వం. మన అప్న ఆజకే ముఖ్య అతిథి అఖిల భారతీయ భారతీయ జనతా పార్టీకి అధ్యక్షు జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా దిశే हम अनुरोध करते हैं अपना संदेश मुशीराबाद के वोटर्स को और कार्यकर्ताओं को पब्लिक को दीजिए. हमारे यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय किशन रेड्डी गारू जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री पूसो राजू जी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, आज जो मैं यहाँ चुनाव में आया हूँ तो जो मैं जोश देख रहा हूँ, जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, वो उत्साह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करा रहा है कि 30 तारीख को आपने पूसा राजू को विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया. मित्रों, ये राज्य को जिताना और भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना यही मकसद नहीं है. इससे बड़ा मकसद है और वह मकसद है तेलंगाना की जनता को न्याय दिलाना. यह सबसे बड़ा मकसद है. न्याय किससे दिलाना है और न्याय कैसे दिलाना है? आप बताओ, तेलंगाना की लड़ाई में हजारों लोगों की जाने गई कि नहीं गई, गई कि नहीं गई? ये कांग्रेस पार्टी जो आजकल चिकनी चुपड़ी बात करके आ रही है, आपको याद है ना, इन्हीं लोगों ने गोलियां चलाई थी, चलाई थी कि नहीं चलाई थी? आपके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी कि नहीं उठाई थी? अब आपने पहचानना ये कांग्रेसी लोग कैसे घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, ये आपके ध्यान में आना. दूसरी बात, ये तेलंगाना राज्य समिति जो आज बीआरएस है, ये तेलंगाना की लड़ाई लड़ी ना, लड़ी, और आज सरकार बनने के बाद तेलंगाना को पीछे धकेल के एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम केसीआर ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, किया कि नहीं किया? मित्रों, इन्होंने तेलंगाना को धोखा दिया. चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीआरएस हो, ये दोनों एक ही
सिक्के के दो पहलू हैं, दे आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। बताओ दोनों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार के बारे में एडवर्टाइजमेंट पेपर में दिया कि नहीं दिया, बताया कि नहीं बताया कि हम दोनों भ्रष्टाचारी हैं? ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों को आप आराम दीजिए और पूजा राजू को काम दीजिए, इसकी आप चिंता। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, आप बताइए कि केसीआर ने कालेश्वरम में घोटाला किया कि नहीं किया? वो कालेश्वरम केसीआर का एटीएम है कि नहीं है? 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 20 लाख करोड़ का बना दिया कि नहीं बना दिया? आप बताइए उसका ब्रिज धस गया कि नहीं धस गया? भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लोगों को घर बैठाओगे ना? आप बताओ गरीब लोगों का जमीन धरनी पोर्टल में उसको हड़पने का काम किया कि नहीं किया? गरीब लोगों की अच्छी जमीनों को हड़पने का काम जिसने किया, ऐसे केसीआर को आपने घर बैठाना है और पूजा राजू को चुनाव जिताना है, इसकी आपको चिंता है। आप बताइए मियापुर लैंडस्केप में 693 एकड़ की लैंड हस्तांतरित की कि नहीं की? घोटाला किया कि नहीं किया? ऐसे लोगों को घर बैठाओगे ना? तो बीआरएस हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी है। बीआरएस का मतलब होता है भ्रष्टाचारी रक्षसुला समिति, और कांग्रेस का मतलब होता है कमीशन, कांग्रेस का मतलब होता है क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब होता है करप्शन कमीशन, यही इनका धंधा है। इसलिए ये दोनों पार्टियों को तेलंगाना की जनता अब रिजेक्ट करने की मन बना चुकी है और कमल खिलाने के लिए तैयार है, उसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए मैं मित्रों यहां आपको ये भी बताना चाहता हूं, बताओ मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? और 2024 में आप फिर से मोदी जी को लाओगे, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी। आप बताओ महिलाओं का विकास मोदी जी के टाइम पर हुआ कि नहीं हुआ? युवाओं को रास्ता मिला कि नहीं मिला? आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरी आवास योजना में घर मिला कि नहीं मिला? केसीआर ने 2 BHK दिया क्या? दिया क्या? प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में आपको इज्जत घर मिला? आपको उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर मिला? आपको प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में बिजली मिली? आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिला? मित्रों मोदी जी ने महिला युवा किसान हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सबके विकास का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और रोकने का काम किया तो केसीआर ने किया। और ये पार्टी किसकी है? पिता दामाद बेटी पुत्र, अब आने वाला भी कोई पुत्र होगा तो उसी की पार्टी होगी, आपकी नहीं होगी। ऐसे परिवारवाद पार्टी को हमको छुट्टी करनी है, और हम लोगों ने तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम बहनों को साल का 4 मुफ्त सिलेंडर देंगे, गैस का सिलेंडर। हमने तय किया है कॉलेज में जाने वाली बच्चियों को 12 से ऊपर उनको हम लैपटॉप देंगे। हम लोगों ने तय किया है कि विकास की दृष्टि से हम हर तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हम लिबरेशन डे भी 17 सितंबर को मनाएंगे, ये भी हमने तय किया। विकास के हमने नए नए आयाम तय किए,
आपको पैडी पर 3,100 प्रति क्विंटल आपको दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था होगी। फर्टिलाइजर में मोदी जी आपको प्रति क्विंटल 18,000 रुपए का दे रहे हैं और हम गरीब किसानों को उस पर 2,400 का इनपुट देंगे ताकि वो आगे तरक्की करें। इसलिए विकास के नए नए आयाम कर रहे हैं। बताइए, पूसा राजू को जिताओगे ना, कमल खिलाओगे ना, 30 तारीख को नई सरकार बनाओगे ना, 3 को कमल खिलाओगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़िए और आप चुनाव में लग जाइए, पूसा राजू को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ओबीसी मोर्चा के जातीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी ने अपना जेपी नड्डा जी को शाल से सम्मान करते हैं। इप्पुडु अंदर मुंदुकेल्लालंडि, कोंचेम कोंचेम मन रथम वस्तुंदि, रथंलो दयचेसि अंदर अटुवैपु वेळ्ळंडि, ముందు ఫ్లాగ్ సెరమనీ కూడా తీసుకెళ్ళండి ప్లీజ్। వెనకాల వ్యాన్ లో వస్తుంటాం, అందరు టెల్ తీసుకోండి తొందరగా।